हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेस। मैं हूँ छवि सोनी और आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स स्टेटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी से। यहाँ पर सेक्शन सी के जो लास्ट 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सारे सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रीवियस सारे वीडियोस आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। सारे वीडियोस अपलोडेड है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसमें लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अरेंज्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ़ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज 120, एस ऑफ एक्स 12 एंड एस ऑफ वाई 15। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रह रहे हैं या डिफ़िकल्ट लग रही है यहाँ पर फॉर्मूला, तो मैंने फार्मूलाज पे भी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें एक ही वीडियो में 10 मिनट्स के वीडियो में मैंने सारी फार्मूलाज पूरे चैप्टर की एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर वो वीडियो आप पहले देख लेंगे उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एस ऑफ एक्स और एस ऑफ वाई आते ही आर की एक ही फार्मूला आपको यूज़ करनी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस इस फार्मूला में आपको सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देनी है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में या 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी है, डिवाइड करना है और आर की वैल्यू 0.67 हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रह रहे तो। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ़ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू -65। अब यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ दी है, एस ऑफ एक्स, एस ऑफ वाई और एन इज इक्वल टू 10 दिया है। तो अगेन शॉर्ट सम की सेकेंड फार्मूला पे आ जाते हैं। ये है सेकेंड फार्मूला। अगर आपको डायरेक्टली ये सारी वैल्यूज़ दिए तो इन सभी को पुट आउट कीजिए। सबसे पहले आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जिसे आपको डिवाइड करना है एन इंटू एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ वाई, राइट। बस यहाँ पर डिवाइड करना है वैल्यूज़ पुट आउट करके। आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की है। इसमें आपको डाउट्स रह रहे हो तो कमेंट करके पूछिएगा। आंसर हमारा आ रहा है -0.54 आर की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई पर्सनल आपके डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन रीड करती हूँ। फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन कितना हुआ हमारा 10 और सिग्मा डी स्क्वायर 120। सिग्मा डी स्क्वायर आए यानी आपको यहाँ पर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करनी है। अगर आपको यहाँ पर रैंक कोरिलेशन ना भी दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्मा डी स्क्वायर आए इट मींस आपको रैंक कोरिलेशन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। अब उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रिपीटेड फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपको डायरेक्ट 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 वाली फार्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बाकी एन आपके पास है 10 दिया गया क्वेश्चन में। चलिए सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं। तो आप इस तरफ देख सकते हैं 1 तो है ही फॉर्मूला में, इसमें से माइनस करना है 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120, डिवाइड करना है एन 10 पेयर्स है यानी एन हमारा होता है 10 इंटू 100 माइनस 1 यानी एन स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने पर 1 को सबसे लास्ट में माइनस करना होगा, 1 में से वैल्यूज़ को सबसे लास्ट में माइनस करना है। तो पहले जितना हो सके आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारा आंसर लास्ट में आर का आ रहा है 0.27। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी फार्मूलाज हैं तीनों की तीनों फार्मूलाज शॉर्ट सम्स की हमने यहाँ पर सॉल्व किए। इसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम टाइम है और ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रहा नहीं, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। जैसे ही वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।